वेलकम टू EHS वन सॉल्यूशन। आज हम EHS रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर पढ़ेंगे। दोस्तों, EHS जैसे आपको पता है, एनवायरनमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी, पर्यावरण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा। जब बात पर्यावरण स्वास्थ्य और सुरक्षा EHS की बात होती है तो काफ़ी मुश्किल होता है कि उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करना। जैसे आज ए सेफ्टी प्रोफेशनल के लिए, इंजीनियर्स के लिए, सुपरवाइजर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए एक मन में क्वेश्चंस रहता है कि आखिर EHS किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि मिडिल मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मिडिल मैनेजमेंट ये सोचते हैं कि बॉटम लेवल में जो काम कर रहे हैं उन्हीं का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बॉटम लेवल में जो काम कर रहे हैं वो सोचते हैं कि मिडिल मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगेन मिडिल मैनेजमेंट भी ये सोचता है कि ये टॉप मैनेजमेंट का काम है। आखिरकार ये तय नहीं हो पाता है कि ये EHS रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है। एंड दोस्तों, आपको पता है कि EHS एनवायरनमेंट स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक कंपनी के लिए कितना बेहद ज़रूरी है। बट ज़रूरी ये तभी माना जाएगा जब इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी तय होगा। आज हम देखेंगे कि लॉ क्या कहता है, नियम क्या कहता है, इंडिया का जो लॉ है, नियम है, उसमें क्या लिखा गया है कि EHS का रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होना चाहिए। और उसमें हम देखेंगे कि बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि EHS रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ताकि हम काम करने के दौरान सेफ्टी, सुरक्षा और पर्यावरण को अच्छे तरीके से रख पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि EHS रेस्पॉन्सिबिलिटी आखिरकार क्या है इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशंस में। देखेंगे हम हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर EHS। पहले हम देखेंगे कि एम्प्लॉयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए। एम्प्लॉयर वही होता है दोस्तों जो ओनर होता है, जो मालिक होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। मे बी वो पावर डेलीगेट्स कर सकता है, बट ओवर एंड ऑल एक कंपनी का ओनर जो होता है, मालिक जो होता है, वही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। तो दोस्तों, पहले हम रेफर लेंगे, मैं पढ़ के आपको सुना लेता हूँ, आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। एन एम्प्लॉयर शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्स्टेंट एंड एडिक्यूट सुपरविजन ऑफ एनी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क इन हीज एस्टेब्लिशमेंट as to ensure compliance with the provisions of this act relating to safety and for taking all practical steps necessary to prevent accidents BOCW Act 1996 section 44 BOCW that means building other construction works act 1996 jitne bhi hamara building ka kaam hota hai and other construction works act hota hai uske liye sarkar ne ek niyam banaya hai भारत के सरकार ने, और उसी का सेक्शन 44 ये कहता है। क्या कहता है दोस्तों? ना एम्प्लॉयर का ये रेस्पॉन्सिबल होना है किस चीज़ के लिए, ना प्रोवाइड करने के लिए किस चीज़ की, ना एक कॉन्स्टेंट एंड एडिक्यूट सुपरविज़न की ऑफ एनी बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क इन हीज एस्टेब्लिशमेंट, उन्हीं के एस्टेब्लिश के अंदर जो भी हमारा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क होगा उनका कॉन्स्टेंट एंड एडिक्यूट सुपरविज़न फैसिलिटी करवाना एक एम्प्लॉयर का जिम्मेदारी होता है। दोस्तों, ये दो शब्द के ऊपर हमको गौर करना चाहिए कि कॉन्स्टेंट होना चाहिए और एडिक्यूट होना चाहिए। कॉन्स्टेंट दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि आज देख लिए कल सुपरविज़न नहीं है, फिर कल देख लिए या परसों सुपरविज़न नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ एडिक्यूट होना चाहिए, सफिशियंट सुपरविज़न होना चाहिए। ऐसा नहीं जहाँ पे 10 सुपरविज़न की ज़रूरत है उधर हम 2 सुपरविज़न रख दिए, जहाँ पे 50 सुपरविज़न की ज़रूरत है उधर हम 30 सुपरविज़न रख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुपरविज़न जो होना चाहिए वो कॉन्स्टेंट भी होना चाहिए और एडिक्यूट मात्रा में, सफिशियंट मात्रा में होना चाहिए। किस लिए? टू एंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट रिलेटेड टू सेफ्टी।
सेफ्टी से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न यहाँ पे दिया गया है, कहाँ पे ना, BOCW एक्ट 1996 में जो भी सेफ्टी रिलेटेड प्रोविजन्स दिया गया है उसको कंप्लायंस करने के लिए कॉन्स्टेंट एंड एडिक्यूट सुपरविजन होना चाहिए। ये कौन एंश्योर करेगा? ये एम्प्लॉयर एंश्योर करेगा, एम्प्लॉयर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाई? टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को दूर करने के लिए। तो दोस्तों इसमें हमको क्लियर हो गया कि एक एम्प्लॉयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए EHS को लेके। अगेन हम लोग BOCW सेंट्रल रूल्स 1998 को भी थोड़ा रेफरेंस में ले लेंगे। वो कहता है कि एम्प्लॉयर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, शल नॉट एफेक्ट टू एनी बिल्डिंग वर्कर, कोई भी बिल्डिंग वर्कर को एफेक्ट नहीं होना चाहिए। एफेक्ट दैट मीन्स उसका हेल्थ को, एफेक्ट दैट मीन्स उसका खुद को इंजुरी नहीं होना चाहिए। इफ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेकिंग देन कॉन्ट्रैक्टर डीम्ड टू बी हीज एम्प्लॉयर। कभी कभी हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर आता है सामने वर्कमैन को लेके, तो उस टाइम भी कॉन्ट्रैक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये माना जाएगा कि वो खुद एम्प्लॉयर है वो वर्कमैन के लिए, और कॉन्ट्रैक्टर सारे फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेगा। नॉट टू परमिट एनी एम्प्लॉई टू डू एनी थिंग विदाउट सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस। हमारा एम्प्लॉयर का यह रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, कोई भी वर्कर को परमिशन होना नहीं चाहिए विदाउट सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिस। हमारा सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, वो सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिस के जरिए ही हम वर्कमैन को काम पे इंगेज करने की ज़रूरत है। यदि हमारे पास सेफ ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस नहीं रहेंगे, सेफ ऑपरेशन प्रैक्टिसेस नहीं रहेंगे, तो हम यदि वर्कमैन को काम पे लगाएंगे हो सकता है उनके साथ जोखिम हो। इसीलिए विदाउट सेफ ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस हम किसी भी वर्कमैन को काम पे नहीं लगाना चाहिए, किसी को परमिशन नहीं करना चाहिए। ये किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ये एक एम्प्लॉयर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो कंपनी का मालिक होता है, जो कंपनी का ओनर होता है। अगेन क्या कहा है 1998 रूल्स में BOCW के, नो पर्सन सेल्फ विलफुली डू एनी एक्ट विच मे कॉज इंजुरी टू हिमसेल्फ और टू अदर्स। एम्प्लॉयर को ये भी इंश्योर करना पड़ेगा, ये भी गाइडलाइन को तय करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कोई अपना मनमानी से जाके कोई भी काम को शुरू कर दे, इससे भी इंजुरी हो सकता है। तो एम्प्लॉयर का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। यूज इक्विपमेंट एज पर प्रोविजन इंस्पेक्शन ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट। जो भी इक्विपमेंट यूज करेगा उसका जो प्रोविज़न है, उसका जो लॉ है, उसका जो नियम है, उसका जो रूल्स है, उसी को फॉलो करके ही वो सारे इक्विपमेंट को यूज करेगा। फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग इक्विपमेंट को यूज करने के लिए उसका इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है, तो वो उसको इंस्पेक्शन करके ही काम पे लगाना चाहिए। प्रोवाइड लेटरिन्स, यूरिनल्स, वॉशिंग फैसिलिटी एंड कैंटीन इन ए क्लीन हाइजीनिक कंडीशन। जितना भी वेलफेयर फैसिलिटी है दोस्तों, जैसे लेटरिन हो गया, यूरिनल हो गया, वॉशिंग फैसिलिटी हो गया, ये सारी चीज़ भी एक एम्प्लॉयर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया है भारत सरकार ने थ्रू BOCW सेंट्रल रूल्स 1998 कि ये सारे फैसिलिटी भी वर्कमैन को देना अनिवार्य है। उसके बाद हम लोग देखेंगे खाली क्या ये एम्प्लॉयर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं, उसके साथ साथ जो मैंने आपको रूल बताया है सेंट्रल रूल्स 1998, उसी में और भी कहा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्किटेक्ट्स, प्रोजेक्ट इंजीनियर्स एंड डिज़ाइनर्स। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट जो बनाने वाले होते हैं, कौन बनाने वाले होते हैं? डिज़ाइनर्स होते हैं, इन प्रोजेक्ट इंजीनियर्स होते हैं, आर्किटेक्चर होते हैं, तो वो डिज़ाइन करते हैं, वो बनाते हैं प्रोजेक्ट को, तो उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी EHS का रहता है। वो कैसे, क्या लिखा है? इन प्लानिंग स्टेज कंसिडरेशन इज गिवेन टू द सेफ्टी एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द बिल्डिंग वर्कर्स हु आर एम्प्लॉयड इन द इरेक्शन, ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। देखिए प्लानिंग स्टेज में ही हमको कंसिडर करना पड़ेगा किसकी, ना वर्कमैन की सेफ्टी एंड हेल्थ की, क्योंकि आगे जाके वो इरेक्शन, ऑपरेशन एंड एग्जीक्यूशन काम में लगने वाले हैं। इसीलिए
ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट हमारा शुरू हो गया, हम सेफ्टी का ध्यान दे रहे हैं, ना। हमारा प्लानिंग स्टेज में ही हमको ईएचएस को कंसीडर करना पड़ेगा कि उनका सेफ्टी और हेल्थ की कैसे रहे वर्कर का, जो आगे जाके वो ऑपरेशन एजुकेशन काम करेंगे। एडिक्यूट केयर ड्यूरिंग डिजाइन ऑफ डेंजरियस स्ट्रक्चर्स और अदर प्रोसेसेस ऑफ मटेरियल्स हैजार्डियस टू हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग वर्कर। कभी कभी हम डिज़ाइन ऐसे कर लेते हैं कि उधर तक जाने की रास्ता ही नहीं रहता है। कुछ प्रोसेस हम ऐसे बनाते हैं जो बहुत हैजार्डियस, जो बहुत खतरनाक रहता है। तो हमको डिज़ाइन स्टेज में ये भी हमको केयर करना पड़ेगा, एडिक्यूट केयर करना पड़ेगा, सफिशेंट केयर करना पड़ेगा कि जो भी हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो जो है वो जैसे सुरक्षा रहे को, किसको, वर्कमैन को। तो ये सारी चीज़ के भी हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेफ्टी एस्पेक्ट्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस एंड, हमने तो डिज़ाइन बना दिया, डिज़ाइन बनाने के टाइम में सेफ्टी का ध्यान तो रख दिया, बट उसी का जब भी मेंटेनेंस करेंगे, उस प्लांट का जब भी मेंटेनेंस करेंगे, जिस इक्विपमेंट में हमने इरेक्शन किया उसको बाद में यदि मेंटेनेंस करेंगे, उस मेंटेनेंस के दौरान भी जो भी सेफ्टी एस्पेक्ट्स रहेगा उसको भी हमको प्लानिंग स्टेज में कंसीडर करके काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? एक आर्किटेक्चर का है, एक प्रोजेक्ट इंजीनियर का है, एक डिज़ाइनर का है। जब भी वो लोग काम करेंगे, ये लोग कब काम करते हैं? प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले, दैट मीन्स इन प्लानिंग स्टेज। तो ये प्लानिंग स्टेज में भी उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो लोग ऐसे डिज़ाइन बनाएं, ऐसे प्रोसेस बनाएं ताकि जो वर्कमैन उस प्रोसेस, उस डिज़ाइन के अंदर काम करे, उनका स्वास्थ्य और सुरक्षा सही रहे। उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, कंप्लाई विथ डायरेक्शंस बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, लोकल बॉडी का, लोकल अथॉरिटी का, ये डायरेक्शंस होना चाहिए किस चीज़ के लिए ना, ये सारी चीज़ को कंप्लाइंस होने के लिए। तो दोस्तों, ये खाली एक एम्प्लॉयर तक सीमित नहीं है, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आर्किटेक्चर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, डिजाइनर तक सीमित नहीं है। यह रेस्पॉन्सिबिलिटी एक लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी का भी रहता है कि वो बीच बीच में डायरेक्शंस दिया करे, एनफोर्स किया करे, ताकि ये सारे नियम जो है पालन हो। उसके साथ साथ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इंजीनियर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्किटेक्चर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, एक वर्कमैन को भी वो एम्पावर किया है कि तुम भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो काम करने के लिए, ईएचएस के लिए। क्या कहा है? इफ डिस्कवर्स एनी डिफेक्ट्स इन द लिफ्टिंग अप्लाइसेंस, लिफ्टिंग गियर, लिफ्टिंग डिवाइस, कंसर्निंग एनी ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट और अदर इक्विपमेंट, रिपोर्ट विदाउट डिले। वो कहा गया है, यदि तुम्हें काम करते करते यदि कोई डिफेक्ट मिला, किसमें, कोई लिफ्टिंग अप्लाइंसेस हो गया, कोई लिफ्टिंग गियर हो गया, कोई लिफ्टिंग डिवाइस हो गया, कोई ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट हो गया, विदाउट डिले तुमको इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। ये किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है? एक वर्कमैन को। नो बिल्डिंग वर्कर ऑथोराइज टू रिमूव फेंसिंग, गैंगवे, गियर, लेडर, हैच कवरिंग, लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस, लिफ्टिंग और अदर थिंग्स, इफ रिमूव्ड शैल बी रिस्टोर्ड एट द एंड ऑफ द शिफ्ट। कोई भी वर्कमैन को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो कोई फेंसिंग को, कोई रेलिंग सिस्टम को निकाले, किसी के ऊपर कवर दिया गया हो उसको निकाल दे, कुछ लाइफ सेविंग अप्लाइंसेस है उसी को निकाल दे, इस तरह अनुमति नहीं दिया गया है। यदि वो काम करने के लिए उसको निकाला है तो फिर जाने के पहले इसको रिस्टोर करके उसी जगह में रख के ही जाना रहे। यूज ओनली प्रोवाइडेड एक्सेस, जो एक्सेस उसको दिया गया है आने जाने के लिए उसी में ही वो आए और जाए, ऐसा ना हो कि अपने मन से वो कहीं से वो निकल के जाए, उससे भी दुर्घटना हो सकता है। तो एक एम्प्लॉयर का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ईएचएस को मेंटेन करने के लिए, कैसे ना, वो जो एक्सेस दिया गया है, जो आने जाने की रास्ता दिया गया है उसी को ही वो फॉलो करे। कीप ऑल वेलफेयर फैसिलिटी इन ए क्लियर एंड हाइजीनिक कंडीशन, जो भी वेलफेयर फैसिलिटी उसको दिया गया है,
जैसे पहले मैंने बताया लेट्रिन दिया गया है, कैंटीन दिया गया है, उसको भी हाइजीनिक कंडीशन में रखना, वो भी एक वर्कर को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। तो दोस्तों हमने देखे कि ईएचएस रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसका है, रोल के हिसाब से एम्प्लॉयर को भी दिया गया है, गवर्नमेंट बॉडी को भी दिया गया है, एक वर्कमैन को भी दिया गया है, एंड आज वेल आज एक आर्किटेक्चर इंजीनियर को भी दिया गया है कि वो हर एक स्टेज में यदि रिव्यू करे, हर एक स्टेज में यदि ईएचएस को प्रायोरिटी में ले, तो सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है ये ईएचएस को आगे बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है दोस्तों अभी हम क्लियर हो गए कि ईएचएस रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, और अपना अपना यदि ईएचएस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम समझेंगे तो ईएचएस हम बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। थैंक यू।